रिच है, जो पॉल्यूशन होती है वाटर की, ठीक है, उसको हम कहते हैं थर्मल पॉल्यूशन। देन द मैराइन पॉल्यूशन, मैराइन पॉल्यूशन ये है कि जो वाटर बॉडीज में लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ठीक है, उनको मैराइन ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है, और उधर जो पॉल्यूशन होती है उसको हम कहते हैं मैराइन पॉल्यूशन। देन कम द न्यूट्रोफिकेशन। न्यूट्रोफिकेशन क्या है, अगर पानी में न्यूट्रिएंट्स की तादाद या मिनरल्स की तादाद ज्यादा होगी, मिनरल्स का कंटेंट ज्यादा होगा, तो इसको यूट्रोफिकेशन कहेंगे, इसको हम यूट्रोफिकेशन कहेंगे। अगर वाटर में मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स की तादाद ज्यादा होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, यूट्रोफिकेशन कहेंगे, ठीक है। ये एक नई टर्म है, आपको पता होनी चाहिए यूट्रोफिकेशन हम किसका कहते हैं, किसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, तो ये जितने भी मिनरल्स हैं या जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी तादाद अगर ज्यादा होगी तो हम इसको यूट्रोफिकेशन कहेंगे। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, ये ऐसी पॉल्यूशन है जो ग्राउंड वाटर में होती है। फॉर एग्जाम्पल जो है एनिमल्स जो है वो इसमें वाटर में जो है नहाते रहे, या एनी सॉर्ट ऑफ अदर पॉल्यूशन, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज की पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, वो अगर वाटर में एंटर हो जाए तो उसको हम ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। Then the sources of pollution, अब मैंने आपको पहले बता दिए, crop roots zone deprived of proper aeration due to presence of excessive moisture or water content. अब basically जिसको हम कहते हैं same उपजाना, जो water table है वो high हो जाता है, पानी जो है basically जमीन से में नीचे से पानी बहुत ज्यादा नीचे होता है, but जो वाटर लॉगिंग है इसमें क्या होता है कि पानी जो है जमीन के अपर सरफेस में आ जाता है और वो ऊपर क्रस्ट में शो होने लग जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इसको हम कहते हैं वाटर लॉगिंग, इसको हम क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग। ये बेसिकली प्रॉपर एरेशन नहीं होती उस वजह से हो सकता है, और एक्सेसिव मॉइस्चर जो है और वाटर कंटेंट जो है वो अपवर्ड मूव करता है। सैलिनिटी क्या है, साल्ट की एक्युमुलेशन, साल्ट की एक्युमुलेशन, साल्ट का जमा हो जाना, इन साइल इंपैक्टिंग ह्यूमन एंड नेचुरल एसेट्स, बेसिकली साइल में इस चीज की ज्यादती हो जाना साल्ट्स की। टाइप ऑफ सैलिनिटी एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है, नेचुरली जो होती है उसको हम प्राइमरी कहते हैं, और सेकेंडरी क्या है, वो आर्थ्रोपोजेनिक है, मीन्स के हम एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन क्या होती है, जिधर ज्यादा घर हो और जिधर शहर हो वहां पे साल्ट कंटेंट क्योंकि ज्यादा होता है, इस वजह से जमीन में सैलिनिटी आ जाती है। अब वाटर कंटेंट की वजह से, ठीक है, मॉइस्चर की वजह से वहां पे एरेशन नहीं होगी, वहां पे एनएरोबिक कंडीशन होगी, जिसकी वजह से क्रॉप जो है वो डाई कर जाएगी, बिकॉज इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर इट्स सर्वाइवल। Then the growth of water loving wild plants, जो ऐसे plants जिनको basically जो पानी की ज्यादती की वजह से grow करते हैं उनकी growth हो जाएगी। Impossibility of tillage, the preparation of land for growing crops operation, ठीक है, basically जो crops की आपने preparation करनी होती है, land की preparation करनी होती है, कि आप कई दफा जो हमारे agriculture से लोग मुंसलिक हैं उनको पता होगा, जो स्टूडेंट्स जो जानते हैं चीजों को उनको पता होगा कि हमने कोई क्रॉप जो है जब सो करनी होती है तो हम उससे पहले लैंड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उसको पहले जो है उसमें हल चलाए जाते हैं, उसमें उसको पहले पानी दिया जाता है, देन दोबारा हल चलाए जाते हैं, उसको प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाता है, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज हल जो है वो खुश्क जगह पे चल सकता है, जो वाटर टेबल जिसका राइज किया हो उधर नहीं चल सकता। देन द लोरिंग अकम्युलेशन ऑफ द हार्मफुल साल्ट, साल्ट्स जो है वो अकम्युलेट कर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। देन द लोरिंग ऑफ द साइल टेम्परेचर, साइल का टेम्परेचर भी लो कर जाता है। रिडक्शन इन टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, इन टाइम ऑफ मैच्योरिटी जब वो मैच्योर होने लगती है क्रॉप तो वो रिड्यूस हो जाती है। अब उसके बाद कितना एरिया पाकिस्तान में अफेक्टेड है, 25% ऑफ इरीगेटेड लैंड्स, पंजाब और सिंध में 48% सैलिनिटी है और 18% स्ट्रॉन्गली सैलाइन है, मतलब बहुत ज्यादा सैलाइन है।
3 मिलियन एकड़ हैज बिकम अनकल्टिवेटेड, मतलब जो 30 लाख एकड़ हैं वो इस वजह से अनकल्टिवेटेबल है, ठीक है। और उसके बाद ईच ईयर 0.1 मिलियन एकड़ बी बिकमिंग अफेक्टेड ऑफ वाटर रिलेटिव टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन नीड और पर्पस। पानी की कंडीशन क्या है, जो ह्यूमन की नीड्स हैं या पर्पस, जिस पर्पस के लिए इंसान यूज कर रहा है उसको, तो उसकी बेसिकली हमने देखनी है कि उसकी कंडीशन, पानी की कंडीशन क्या है और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो पानी की कंडीशन हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। अब हम 3 चीजों से इस चीज को एस्टिमेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, कितनी उस पानी में ऑक्सीजन है, ठीक है। देन इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड देन इज द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये हम तीनों वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऑक्सीजन एंटर्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन किधर से एंटर होती है, एटमॉस्फेयर से और फोटोसिंथेसिस से। आपको मैंने बताया था कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, एक्सपेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन एक्सपेल करते हैं, और ये ऑक्सीजन जो है ये वाटर में जाती है। कंसेंट्रेशन रेंज ऑफ 4 PM टू 8 PM, इसमें 4 PM से 8 PM इज द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय द एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द गिवन वाटर टू एट अ सर्टेन टेंपरेचर ओवर स्पेसिफिक पीरियड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बेसिकली कब यूज किया जाता है, जब आपसे कोई चीज बहुत दूर हो या थोड़ी सी दूर हो, आपकी उस तक रसाई ना हो, तो आप रिमोट से उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। मींस समथिंग व्हिच इज फार अवे, सेंसिंग इज गेटिंग इंफॉर्मेशन और गेटिंग डेटा। रिमोट सेंसिंग मतलब रिमोट के जरिए आप उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। आप गाड़ी का रिमोट रखते हैं, आपको पता है कि आपके पास रिमोट है, आपके ऑन करने से ऑन होगी वरना ऑफ रहेगी। द साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय विच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू ग्राउंड बेस्ड एयर बॉर्न और स्पेस बॉर्न सेंसर्स यूजिंग द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यूज करके, ये रिमोट्स को यूज करके आप लैंड के बारे में, ग्राउंड के बारे में या जिन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें ले सकते हैं।